तो मैंने आप लोगों को पांच ऐसे वीडियोस दिखाए जहां पे ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हंगामे की तैयारी से आए, प्लैकार्ड छपवा के लेके आए, आम आदमी पार्टी के पार्षद चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने अपनी कुर्सियां नहीं छोड़ी, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के सांसद उनकी बदतमीजी के बावजूद शांतिपूर्वक तरीके से बैठे रहे, क्योंकि हम चाहते थे कि कल मेयर का चुनाव हो जाए और दिल्ली को मेयर मिल जाए, लेकिन खुद अपने पार्षदों की गुंडागर्दी को बहाना बनाते हुए 2:54 पर आकर सत्या शर्मा जी, जो एडजर्नमेंट के दौरान वो अपने ऑफिस में नहीं बैठी, वो हाउस के बाहर जहां पर सीढ़ियों की लैंडिंग है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ खड़ी रही, हरीश खुराना जी उनको कागज पर लिख के चीजें बताते रहे, और फिर उन्होंने 2:54 पर आकर अपने ही पार्टी की पार्षदों को गुंडागर्दी को बहाना बनाते हुए हाउस को इनडेफिनेटली एडजर्न कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि सुबह 10:45 से 2:55 का जो सीक्वेंस था उससे ये क्लियर है कि आम आदमी पार्टी चाहती थी कि मेयर का चुनाव हो, हर हालत में हो, और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि मेयर का चुनाव किसी भी हालत में ना हो। मैं आज सारे मीडिया के साथियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करना चाहती हूं कि उनके नेताओं ने, विधायकों ने, सांसदों ने बाहर आके झूठ बोला कि आम आदमी पार्टी ने बदतमीजी करी, गुंडागर्दी करी, नारेबाजी करी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चैलेंज कर रही हूं कि उस हाउस में आपके 105 पार्षद और 7 सांसद और 10 नॉमिनेटेड पार्षद थे, आप उनमें से किसी का भी, किसी ने तो फोन पे वीडियो बनाए होंगे, हमने तो आपके सामने, आप देख सकते हैं कि ये फोन पे ही व्हाट्सएप पे सारे शूट हुए हुए वीडियोस हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूं कि उनके सारे सदस्य जो हाउस में बैठे थे सबको कहें कि जो उन्होंने वीडियोस बनाए सदन के वो भेजें, और मैं उन्हें चैलेंज कर रही हूं वो एक वीडियो दिखा दें जहां पर आम आदमी पार्टी के किसी भी पार्षद ने, विधायक ने, सांसद ने गाली गलौच करी हो, गुंडागर्दी करी हो, बदतमीजी करी हो या प्रोसीडिंग्स को रोकने की कोशिश करी हो। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कह रही हूं कि अगर आपके पास एक भी ऐसा वीडियो है तो आज आप उसको दिल्ली के सामने और देश के सामने रख दो, वरना आप ये बात मान लीजिए कि आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं और आप गुंडागर्दी के माध्यम से चुनाव हारने के बावजूद विपक्ष में बैठने को तैयार नहीं है और आम आदमी पार्टी की मेयर और सरकार बनने में हनन डाल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।